नमस्कार, मैं रौनक शुक्ला। प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। और इसी बीच खबर आ रही है कि भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के देशभक्त गोडसे वाले बयान पर बीजेपी ने उन्हें रक्षा पैनल से निकाल दिया गया है। जी हाँ, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर द्वारा दिए गए बयान, जिसमें उन्होंने गोडसे को देशभक्त कहा है, इसने एक नया विवाद ले लिया है। सोशल मीडिया पर उन्हें इसके लिए बहुत हद तक समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन अपनी ही पार्टी बीजेपी द्वारा उन्हें डिफेंस पैनल से बाहर कर दिया गया है। इस पर लोगों ने उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि जब जेएनयू के कुछ वामपंथी गुंडों द्वारा अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया गया तथा भारत के टुकड़े करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहा, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब क्या यही संविधान एक सांसद को अपने विचारों को सभी के सामने रखने की स्वतंत्रता भी क्या उन्हें नहीं देता? चुनाव के समय भी उन्होंने इसी तरह के विचार जनता के सामने रखे थे तथा जनता ने इस विचारधारा का समर्थन करते हुए उन्हें भारी मतों से जिताया भी था। तो इससे बीजेपी का भी एक दोहरा चरित्र साफ हुआ जा रहा है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने भी इस बयान का विरोध किया है तथा बीजेपी ने भी कहा है कि हम ऐसी किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। और इस तरह से यह साफ है कि बीजेपी भी अब विपक्ष की भाषा बोलने लगी है। सिर्फ अपने विचार रखने पर उन्हें रक्षा पैनल से निकालना, यह एक बिना सोचे समझे लिया जाने वाला निर्णय है तथा यह भी कहा जा रहा है कि यह निर्णय विपक्ष के दबाव में आकर के लिया गया है। प्राइम न्यूज 24 से ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।